पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभों को जय यीशु। दूसरा दिन, माता मरियम का मौन जीवन पर मनन चिंतन। माता मरियम का शांत या मौन जीवन एक रहस्यमय जीवन है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, माता मरियम यीशु ख्रीस्त को अपने गर्भ में धारण करने के पूर्व से लेकर उनकी मृत्यु तक उसकी मौन स्वभाव ईश्वर की मुक्ति योजना को प्रकट करने में सहभागी हुई है। संत लुकस अध्याय 1 पद संख्या 28 में हम पाते हैं, जब सदूत ने मरियम के पास आकर कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यह शब्द सुनकर मरियम घबरा गई और मौन होकर सोचने लगी, प्रणाम का क्या अभिप्राय है। क्रूस की राहों में भी माता मरियम ने यीशु का साथ नहीं छोड़ा, वह मौन रहकर उनको सांत्वना देती रही। इतना ही नहीं, बल्कि योसेफ और निकोदीम जब यीशु को क्रूस पर से उतार कर मरियम की गोद में रख देते हैं, तो मरियम अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती है और सांत्वना देते रहती है। इस प्रकार बाइबल में माँ मरियम का मौन जीवन के बारे में हम बहुत बार सुनते हैं। ईश्वर की आवाज़ को सुनने का एक ही माध्यम है, शांत या मौन धारण करना। निवेदन, आज हम उन सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी आत्मा को अपने पवित्र लहू से धो दे, उनके पाप क्षमा कर और उन्हें अनंत शांति प्रदान कर। विशेष करके कोविड के कारण मृत्यु हो गए उन सभी माता पिता, भाई बहन, बच्चों की आत्मा की शांति के लिए आज प्रार्थना करें। हे प्रभु, उनके एक एक पाप को क्षमा कर और उन्हें आपके स्वर्ग राज में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर और उनके परिवार के सभी सदस्यों को सांत्वना, शक्ति और ढाढ़स प्रदान कर। नोवेना प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, आपने कुंवारी मरियम को अपने पुत्र यीशु मसीह के योग्य माँ बनने के लिए तैयार किया। आपने उसे प्रारंभ से ही मानव जाति का उद्धार कार्य में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्रदान किया, जो मसीह के मृत्यु द्वारा पूरे संसार को सब पापों से बचा लिया। उसी प्रकार आप हमें भी निष्कलंक माँ के संरक्षण के द्वारा पवित्रता के साथ अपने पास आने की अनुमति दे। आज हम पवित्र त्रित्व ईश्वर की स्तुति तथा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सभी नारियों में से चुनकर हमारे लिए निष्कलंक माता के रूप में अनुग्रह के साथ प्रदान किया है। हे निष्कलंक माँ मरियम, यीशु की माँ, स्वर्ग दूतों और संतों की रानी, हम आपको पूरे भक्ति से नमन करते हैं। हे दया की माता, आपके आनंदमय निष्कलंक गर्भागमन द्वारा हमारे सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर और यीशु मसीह की उपस्थिति में पाप रहित जीवन जीने में हमारी सहायता कर और उसके प्रति सदैव वफादार रहने हेतु अपने बेटे यीशु से हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर। आमीन। संत मरिया, तू मां दुलारी मां।